वेलकम टू बैक DLS न्यूज। यस, आइए बात करते हैं दोस्तों आज 17 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार के मुख्य समाचार और ट्विटर ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जानेंगे इस वीडियो में फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। सरकार की कुछ बड़ी घोषणाएं अपडेट हैं। आज से नवरात्रि भी शुरू होने जा रही है। सबसे पहले आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को नवरात्रि की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि को लेकर भी कुछ खास अपडेट मैं आपको बताऊंगा, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आप जरूर जान लें। इसके अलावा भी बैंक खाता वालों के लिए एक अच्छी खबर है और कुछ ऑफर वगैरह भी हैं। एक एक करके सभी अपडेट्स को जानते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहली खबर की, अपडेट देख पा रहे दोस्तों की नवरात्रि को लेकर। सबसे पहले आपको बताऊंगा आज नवरात्रि का त्योहार लागू होने सारा। जय माँ जोगणिया, जय माँ जगदम्बे, जय दुर्गा माता, जो कुछ भी आप मानते हो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि माँ के कितने रूप है, खास करके 9 रूप भी माने जाते हैं शास्त्रों के अनुसार, और भी कई सारे रूप है। ऐसे में दोस्तों नवरात्रि की कलश स्थापना का मुहूर्त आज कितने बजे है, पूजा विधि के साथ में पूजा की सामग्री आपको क्या क्या रखनी चाहिए, क्योंकि नवरात्रा में बहुत से लोग होते हैं घर में कलश स्थापना करते हैं और दीपक वगैरह जलाते हैं, तो इसके लिए आखिर शुभ मुहूर्त क्या। वैसे तो दोस्तों अभिजीत मुहूर्त जो है ना कोई भी शुभ काम करने के लिए अति उत्तम माना जाता है, राइट। तो मध्यान्ह जो होता है ना 11:30 से लेकर 12:30 तक के बीच में, एक तो ये शुभ मुहूर्त है, ठीक है ना। इसके बाद दोपहर 2:30 से लेकर 3:55 तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके अलावा शाम को भी है एक मुहूर्त, शाम को 7:30 से लेकर 9 बजे तक, ठीक है ना। तो 7 से शाम 7:30 बजे तक आप कलश स्थापना कर सकते हैं, अगर शाम के टाइम पर करते हो तो ये शुभ रहेगा। और बाकी दिन में आप सुबह 11:30 से 12:30 कर लीजिए, 2:30 से 4 बजे तक कर लीजिए, ठीक है। ये 3-4 शुभ मुहूर्त हैं माँ की कलश स्थापना के लिए। और बाकी पूजा आप जरूर करें आज नवरात्रि के पहले ही दिन, माता का ध्यान करें। माँ को गुड़हल के फूल खासकर पसंद है तो पूजा में आप उनको जरूर शामिल करें और सफेद कलर की चीजें जरूर शामिल करें। वैसे दोस्तों नवरात्रि में एक मान्यता होती है कि माँ को 9 ही दिन अलग अलग रूपों को भोग लगाया जाता है। आप दूध से बनी चीजें, मलपुए वगैरह, केले, अलग अलग डे के अकॉर्डिंग भोग लगाएं। मैं आपको कुछ अपडेट डिटेल जानकारी एस्ट्रोलॉजी का अकॉर्डिंग DLS न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना, आज सुबह ही। तो आप जरूर चेक कीजिएगा जिसमें आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि एक तो नवरात्रि के 9 दिन में आपको क्या काम करने चाहिए और क्या नहीं, ठीक है ना। दूसरी बात, नवरात्रि के 9 दिनों आपको माँ को क्या भोग लगाना चाहिए, इससे कि आपकी जिंदगी पर सकारात्मक असर पड़ता है, पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आती है, ठीक है ना। तो ये बहुत कुछ बातें हो गई एस्ट्रोलॉजी संबंधित। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबरों में जहां अपडेट आप देख सकते हैं LPG गैस सिलेंडर को लेकर 1 नवंबर से नया नियम लागू होने जा रहा है दोस्तों की। इन शहरों में बिना OTP के अब गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। रसोई गैस की डिलीवरी को लेकर नियम बदलने जा रहा है 1 नवंबर 2020 से। दरअसल देश के 100 स्मार्ट सिटीज में गैस की डिलीवरी के लिए OTP वन टाइम पासवर्ड अनिवार्य हो जाएगा। इसके पीछे दरअसल दोस्तों IOCL कंपनी ने रीजन ये बताया, यानी कि कारण ये बताया कि सही उपभोक्ता तक गैस सिलेंडर की डिलीवरी हो, है ना। कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, ऐसा नहीं कि हमने मंगाया नहीं आपने डिलीवर कर दिया, या हमने बोला आप अभी तक नहीं लाए, तो इसलिए OTP बेस्ड सर्विस शुरू होने जा रही है देश की 100 स्मार्ट सिटीज में, ठीक है ना। और धीरे धीरे ये सुविधा पूरे देश में लागू हो जाएगी। इट मीन्स उसके बाद आपको बिना OTP के LPG सिलेंडर नहीं मिलेगा। 1 नवंबर से नियम बदलने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों, भारत के लिए गौरव की बात देखिए कि एयरफोर्स की मारक क्षमता में इजाफा होगा। नवंबर महीने में 3-4 और राफेल भी भारत की एयरफोर्स में शामिल किए जाएंगे और उसके बाद भारत में राफेल विमानों की संख्या जो है ना वो 8-9 हो जाएगी, तो ये भी भारत की शक्ति बढ़ जाएगी, अच्छी बात है। इसी से संबंधित रक्षा से संबंधित और एक खबर देख सकते हैं दोस्तों की, पृथ्वी 2 मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया गया कल ही। 250 किलोमीटर दूर तक ये दुश्मन पर वार कर सकती है और भारत की ही बनाई गई ये मिसाइल सबसे अच्छी बात तो ये है। भारत ने शुक्रवार को उड़ीसा के बालासोर से पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर तक है। ये भारत की पहली सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। इस मिसाइल को मल्टी फंक्शन रडार के द्वारा ट्रैक किया गया, तो ये भी अच्छी बात है ना इंडिया के लिए। चलिए अगली खबर देख सकते हैं दोस्तों, इस राज्य में कार के रेक पर साइकिल ले जाने वालों पर अब 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। ये नया नियम बन चुका है क्योंकि दोस्तों इस राज्य में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन देखी जा रही है कि लोग बाग जो है ना कारों के पीछे रेक में साइकिल वगैरह बांध करके ले जाते हैं, इससे कई दुर्घटनाएं वगैरह होने की भी संभावना देखी गई घटनाएं। उसके बाद दोस्तों ये नियम बनाया गया है बेंगलुरु राज्य में, ठीक है ना। बेंगलुरु राज्य में अब अगर आप ऐसी सिचुएशन में साइकिल लेके जाते हो ना तो आप पर 5,000 रुपए का जुर्माना होगा, ठीक है ना। यानी कि सिंपल है कि बेंगलुरु में अब आप कार के रेक के पीछे साइकिल रखकर नहीं ले जा सकते, ठीक है, अदरवाइज 5,000 रुपए का फाइन लगेगा। चलिए अगली खबर देखिए कि दोस्तों सैमसंग ने भी शुरू की दिवाली सेल, स्मार्टफोन से लेकर स्पीकर्स पर आपको 60% तक की छूट मिल रही है। जी हां, सैमसंग कंपनी की तरफ से दोस्तों ग्रैंड दिवाली फेस्टिवल सेल शुरू की गई जो कि 15 तारीख से लेकर 22 अक्टूबर तक चलेगी, ठीक है ना। सैमसंग अपने स्मार्टफोन, एसेसरी,
एक्सेसरीज, वेयरेबल, होम अप्लायंस वगैरह सभी पर ये ऑफर दे रही है। यानी कि सैमसंग का टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह कुछ भी अगर आप ऑर्डर करते हो, मंगवाते हो ना, तो अभी इस वक्त आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है ना, दिवाली सेल के तहत। और खास करके सैमसंग ने HDFC बैंक के साथ साझेदारी भी की है, तो इस बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से खरीदारी करने पर आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। अच्छा दोस्तों, जब ये ऑफर की बात हो रही है ना, तो आपको पता होगा कल ही अमेजोन फ्लिपकार्ट की सेल भी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर भी आईफोन से लेकर टीवी पर आपको बम्पर डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अमेजोन की द बिग बिलियन डे सेल और अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, ये दोनों शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। यहाँ पर भी आपको HDFC, SBI कार्ड के ऊपर अलग अलग तरह के ऑफर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, नीट का रिजल्ट अनाउंस हो चुका। आपको पता होगा कल शाम को नीट का रिजल्ट आ चुका था, और ऐसे में दोस्तों दो उम्मीदवार ऐसे थे जिनको 100% मार्क्स मिले, 100% अंक मिले पूरे में से पूरे। एक तो है उड़ीसा के सोएब आफताब, ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ना, ये सोएब आफताब ही है जिनको 720/720 मिले, यानी कि 720 में से 720 नंबर मिले। और एक सबसे अधिक त्रिपुरा के उम्मीदवारों ने परीक्षा में सफलता हासिल की। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र के प्रतिभागी रहे, महाराष्ट्र के 79,974 प्रतिभागियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट अनाउंस है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि एक तो ये है सोएब आफताब जिनको 100% मार्क्स मिले, ठीक है ना, ओडिशा के। दूसरे हैं दिल्ली की आकांक्षा सिंह, इनको भी 720/720 अंक मिले हैं। दिल्ली कुशीनगर की आकांक्षा ने भी कमाल कर दिया, नीट 2020 में 100% मार्क्स हासिल किए। ये तस्वीर दोनों की आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनका कहना दोस्तों की न्यूरो सर्जन बनकर गरीबों की सेवा करना चाहती है ये। मेनी मेनी कांग्रेस एंड बेस्ट ऑफ लक इनको इनके फ्यूचर गोल के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट से दोस्तों मोटिवेशन मिलता है कि देखिए जरा कि नीट जैसे एग्जाम में भी 100% मार्क्स लाना, कितनी अच्छी मेहनत की होगी इन्होंने। वाकई में सैल्यूट, बहुत बहुत इनको थैंक यू, क्योंकि ये स्टूडेंट्स, युवा स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन होते हैं, है ना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबरों में, जहां खबर देख सकते हैं दोस्तों कि दीपावली पर बाजार में ग्राहक खर्च कर सकते हैं 1.5 लाख करोड़ रुपए, कारोबारियों की उम्मीद बढ़ी है। इस तरह की एक रिपोर्ट एनालिसिस लगाई जा रही है, अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों कि कोरोना और लॉकडाउन के चलते हालांकि मंदी रहेगी बाजार में, उसके बावजूद दीपावली पर लोग बाग ग्राहक जो है ना कुछ शॉपिंग वगैरह जेब खर्च के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए तक खर्च कर सकते हैं, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। और वाकई में खर्च हो जाए अगर लोगों से इतने, तो इससे बाजार की हालत जरूर कुछ सुधरेगी। चलिए साथ ही अगली खबर है, व्हाट्सएप अगर आप चलाते हो तो इसका एक नया फीचर आ चुका है। अब ऐप से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम आप सीधे कंपनी को बता पाएंगे, क्योंकि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए ये नया इन ऐप सपोर्ट फीचर जो लॉन्च हो चुका है। यहाँ पर आपको सेटिंग्स में हेल्प ऑप्शन में ये ऑप्शन दिख जाएगा कॉन्टेक्ट अस करके, ठीक है ना। इस पर क्लिक करोगे तो आपको डिस्क्राइब यूर प्रॉब्लम और नीचे यहाँ पर एड स्क्रीनशॉट में 3 स्क्रीनशॉट एड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो ऊपर सिंपली आपको प्रॉब्लम लिखनी है, नीचे स्क्रीनशॉट एड करने हैं और सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके भेज देना कंपनी वालों के पास। आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी और वो आपको जो कोई भी समस्या है उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए अगली खबर देखिए, नवरात्र और दीपावली पर इस वजह से अटक सकती है आपकी शॉपिंग, क्योंकि RBI ने कुछ नियम बदल दिए। दोस्तों अगर आप अपने फेस्टिवल सीजन में शॉपिंग के लिए लंबी लिस्ट बना रहे, तो आपको बता दूं कि शॉपिंग खासतौर पर ऑनलाइन शॉपिंग ट्रांजेक्शन के लिए RBI के कुछ नए नियम है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अक्टूबर से जो नए नियम जारी किए गए उनके अकॉर्डिंग बैंकिंग फ्रॉड और कार्ड्स के गलत इस्तेमाल को लेकर RBI ने नए नियम लागू किए हुए हैं। यानी कि अभी आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड जो है ना वो इंटरनेशनली लेवल पर काम नहीं करता, राइट, क्योंकि बैंक के द्वारा ये सर्विस को बंद कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ऐसे में कुल मिलाकर के अगर आप इंटरनेशनली लेवल पर शॉपिंग करते हैं, तो आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की इंटरनेशनल पेमेंट सर्विस को वापस ऑन करवा सकते हैं, अपने नेट बैंकिंग के अंदर खुद ही कर सकते हैं, ठीक है ना। अगली खबर देखिए, खेल समाचार को लेकर अपडेट है। आपको बताओ कल MI vs KKR यानी कि मुंबई इंडियंस और कलकत्ता नाइट राइडर्स के बीच जो मैच हुआ, उसमें मुंबई ने कलकत्ता को 8 विकेट से हरा दिया। कप्तान बदलने के बाद भी कलकत्ता नाइट राइडर्स को नहीं मिल पाई जीत और मुंबई इंडियंस के डिकॉक ने IPL में 13वीं 50 लगाई। ये और भी ज्यादा स्कोर कार्ड का स्टेटस वगैरह भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हाँ, कल जो ये IPL का 32वां मैच था ना, कलकत्ता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि अब मैप बताएगा आप जहां जा रहे हो वो स्थान कितना बिजी है, या नई टेक्नोलॉजी से इस मैच का लाइव व्यू भी आपको दिख जाएगा। दरअसल दोस्तों गूगल मैप्स पर जल्दी यूजर्स को बिजी प्लेस के बारे में जानकारी मिलेगी। मैप्स पर अभी रेस्टोरेंट और दूसरे बिजनेसेस कितने व्यस्त हैं इसकी सुविधा तो मिलती है, लेकिन अब आप डायरेक्टली इस बात का पता लगा पाएंगे कि कोई स्पेसिफिक लोकेशन कितनी ज्यादा बिजी है। गूगल ने साफ किया कि ऐसी जगहों की व्यस्तता की जानकारी सीधे मैप्स पर मिलेगी। जी हाँ, यानी कि गूगल मैप्स अब आपको टेक्नोलॉजी से और ज्यादा अपडेट करने जा रहा है। बहुत जल्द आपको गूगल मैप्स के नेक्स्ट अपडेट में जानकारी देखने को मिलेगी। और एक अच्छी खबर देखिए कि आम आदमी के लिए राहत की बात है, 10 दिन में और भी ज्यादा गिर चुके हैं काजू बादाम और किशमिश के दाम। नए रेट लिस्ट आखिर क्या है, मैं आपको बता दूं, 10 दिन पहले के रेट थे, अब क्या रेट है। अमेरिकन बादाम 900 से 660 पर आ चुका है और अब यहां से भी 520 से 580 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। काजू 1100 से 950 पर आए और अब 650 से 700 तक के रूप में बिक रहे हैं। हकीकत किशमिश भी 400 से 350 रुपए प्रति किलो आ चुकी थी, जो अब 200 से 150 तक ही चल रही है। तो ये कुछ सूखे मेवे वगैरह के दामों में गिरावट देखी गई है, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर खबर है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अगर आपके आधार
आधार कार्ड में उपलब्ध नहीं भी है ना, तो भी आप आसानी से ज्यादा सुरक्षित कार्ड आधार कार्ड अप्लाई कर सकते हैं उदय की वेबसाइट के जरिए। हाल ही में आपको बताऊंगा दोस्तों कि उदय ने पीवीसी आधार कार्ड करके एक नया आधार कार्ड लॉन्च किया था जो ज्यादा सिक्योर है, मोर प्रीमियम है, जो पानी में नहीं गलता है, अग्नि में जलता नहीं है, आसानी से टूटता वगैरह नहीं, फटता नहीं है। एज आपका एटीएम कार्ड आता ना, उस तरह से हार्ड टेक्नोलॉजी हार्ड कैटेगरी में आधार कार्ड को बनाया गया, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों पीवीसी आधार कार्ड जो होगा वो ज्यादा सुरक्षित होगा और इसको ऑर्डर करने के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की भी जरूरत नहीं है। ये देख सकते हैं आप, उदय की तरफ से ट्वीट किया गया कि रिसीव ओटीपी ऑन एनी मोबाइल नंबर टू ऑथेंटिकेट यूर आधार पीवीसी कार्ड ऑर्डर, ठीक है ना। तो ये आधार कार्ड को लेकर अपडेट है। और चलिए अगली खबर देखिए, एक्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार, 6 महीने तक अगर ये 13 अपराध कोई लोग करेंगे तो उन पर खास नजर रहेगी। जी हाँ, यूपी के सीएम योगी सरकार ने दोस्तों एक एक्शन दिखाया है और गले में माफीनामे की पट्टी डालने को मजबूर करने के साथ ही अपराधियों को कोर्ट से सजा कराकर जेल भेजा जा रहा है। और दोस्तों बीते एक साल में जो उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं के साथ कोई घिनौने काम हुए, वहां के बच्चों के साथ कोई गंदे काम हुए, तो उसमें भी योगी सरकार ने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की प्लानिंग बनाई है। 13 ऐसे क्राइम है, देख सकते हैं आप इनकी लिस्ट भी, कि चाहे ये करना वो हत्या करना, प्रयास एवं बालकों के विरुद्ध यौन अपराध करने वाले वगैरह वगैरह हो गए, इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इसके अलावा छेड़खानी, लज्जाभंग, पीछा करने वाले, इन खुन्या खाने वाले लोगों को कठोर सजा भी दिलाई जाएगी, जिससे कि समाज में आम जन विशेष करके महिलाओं एवं बालिकों में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण और ज्यादा बेहतर हो सके। ये यूपी गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत नौकरी छूटने पर भी अब आपको 50% तक सैलरी मिलेगी, इसकी स्कीम तारीख भी बढ़ चुकी है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने ESIC के तहत चलने वाली अटल बीमित कल्याण व्यक्ति योजना जाना उसको अगले साल 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया, यानी कि 30 जून 2021 कर दें इसकी अंतिम तारीख को। इसके अलावा कोरोना संकट के दौरान जिन लोगों की नौकरी चली गई उनको भी इस स्कीम के तहत राहत पाने के लिए शर्तों में कुछ छूट भी दी गई है। अब इस स्कीम के तहत बेरोजगार लोगों को उनकी सैलरी का 50% हिस्सा मिलेगा। इससे पहले 25% रकम का ही प्रावधान था, तो इसको भी डबल कर दिया और इसके अलावा इसकी तारीख को भी 30 जून 2021 कर दिया। तो बिल्कुल आप ESIC स्कीम के तहत इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है, सरकार का बड़ा फैसला है, रेफ्रिजरेटर्स के साथ एसी के आयात पर भी बैन लगा दिया। जी हाँ, केंद्र सरकार ने गुरुवार को तत्काल प्रभाव से रेफ्रिजरेटर्स के साथ एयर कंडीशनर यानी कि एसी के आयात पर भी बैन लगा दिया। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई। दरअसल दोस्तों सरकार ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ही ये अच्छा कदम उठाया और वाकई में बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि सरकार ये चाहती दोस्तों कि एसी, फ्रिज, कूलर वगैरह सब कुछ चीजें भारत में बने। यार आखिर भारत की कंपनियां बना रही तो उनके प्रोडक्ट कहां जा रहे हैं, इंडिया में ही बने और लोगों की कमी लोगों को हायर करें, इससे एटलीस्ट भारत के लोगों को रोजगार तो मिलेगा और एटलीस्ट दोस्तों इंडिया की इकोनॉमी को ही फायदा होगा, है ना। तो आप भी जरूर देख लीजिएगा, ये भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। चलिए साथ ही अगली खबर है, बिहार बोर्ड की 12वीं परीक्षाओं का शेड्यूल जारी हो चुका है, यानी कि टाइम टेबल अनाउंस हो चुका है, इस तारीख से परीक्षाएं शुरू होगी। दरअसल बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 12वीं परीक्षा 2021 का शेड्यूल जारी कर दिया। टाइम टेबल के अनुसार ये परीक्षाएं 2 से लेकर 13 फरवरी 2021 के बीच आयोजित कराई जाएगी। BSEB ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पे इसके ऊपर ये बात की जानकारी भी दे दी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और भी ऑफिशियल शेड्यूल वगैरह कंप्लीट डिटेल आप BSEB की ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के जानकारी चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए साथ ही अपडेट है, खुशखबरी देखिए, कोल इंडिया कंपनी ने 2.62 लाख कर्मचारियों को तोहफा दिया, दीपावली से पहले खाते में आएंगे 68,500 रुपए। जी हाँ, सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड जो है ना, उसने दोस्तों शुक्रवार को अपने नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया। कोल इंडिया का कहना दोस्तों कि साल 2019-20 के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवार्ड के तौर पर प्रति कर्मचारी 68,500 रुपए देने का ऐलान किया, और वो भी कब, दिवाली से पहले पहले आपके खातों में आ ही जाएंगे, तो आप चेक करते रहिएगा ये भी। चलिए साथ ही अगली खबर है कि बागियों पर लगातार एक्शन में NDA, JDU ने 4 और नेताओं को बाहर निकाल दिया। बिहार इलेक्शन को लेकर ये खबरें चल रही है, मैं आपको चुनाव राजनीति से संबंधित ज्यादा अपडेट बताता नहीं हूँ। फिलहाल सीधे बात करें अपन अगली खबर में, आज के मौसम समाचार को लेकर खबर अपडेट देख पा रहे दोस्तों की, महाराष्ट्र, कोंकण और दक्षिणी गुजरात में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी, या भी कहना IMD की तरफ से, है ना। हालात देखिए जरा कि इनके हालात क्या चल रहे हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र में बाढ़ के कहर के चलते कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए और अब तक 28 लोगों के मौत की खबर भी है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये तो सिर्फ महाराष्ट्र का आंकड़ा, तेलंगाना और महाराष्ट्र दोनों की बात करें तो यहाँ पर भारी बारिश के चलते कम से कम 77 लोगों की मौत हो गई और फसलों को भारी नुकसान भी हुआ। तो देखते हैं आगे और मानसून का रुख क्या रहता है। संपूर्ण भारत के आज 17 अक्टूबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी उड़ीसा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़, विदर्भ, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, दक्षिणी गुजरात, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कुछ हिस्से और आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है और बाकी देश के बाकी दूसरे हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा, ठीक है ना। वही बात करें दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी की रेट की, तो खबर देख सकते हैं कि नवरात्रि से ठीक पहले बड़ा सोने का दाम, अब 10 ग्राम के लिए आपको कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं कि आज ही जो सराफा बाजार में नवरात्रि वगैरह का त्यौहार भी लग रहा है, इसी के कारण चुका मतलब
कीमतें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं शुक्रवार को दिल्ली शराब बाजार में सोने का भाव 324 रुपए प्रति 10 ग्राम तक उछला और इसके बाद राजधानी दिल्ली में अभी सोने का भाव बढ़कर 51,704 रुपए प्रति 10 ग्राम हो चुका। वही बात करें चांदी के रेट की तो चांदी की भी कीमतों में बदलाव देखने को मिला, 1598 रुपए की तेजी आई और उसके बाद 62,972 रुपए प्रति किलो अभी चांदी का रेट चल रहा है, ठीक है ना। तो ये रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और आइए अब नजर डालते हैं दोस्तों कोरोना से जुड़ी कुछ खबरें। आप देख सकते हैं कि सर्दियों में प्रदूषण के चलते और भी खतरनाक स्तर पर पहुंच सकती है कोरोना की महामारी, ये कहना एक्सपर्ट का, विशेषज्ञ जो डॉक्टर वगैरह वैज्ञानिक साइंटिफिक रिसर्च है वो कहते हैं दोस्तों कि सर्दियों में एक तो प्रदूषण रहेगा और भी ज्यादा और मौसम ठंडा रहेगा, तो ये कुछ चीजें वजह बन सकती है कोरोना महामारी के बढ़ने की। आप सावधान रहें, बी अलर्ट रहें, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके अलावा खबर देखिए कि इस राज्य में कोरोना के दवा के दाम फिक्स हो चुके हैं, आखिर पूरा मामला क्या है तो मैं आपको बता दूं, कोरोना की सबसे बड़ी और कारगर दवाओं में से एक मानी जा रही रेमडेसिविर की दवा को लेकर बड़ी खबर है। WHO की स्टडी में भले ही रेमडेसिविर को बहुत कारगर नहीं पाया गया लेकिन डॉक्टरों की ओर से जोरदार प्रिस्क्रिप्शन की वजह से मांग इतनी बढ़ चुकी है दोस्तों कि महाराष्ट्र राज्य सरकार को एक्शन लेना पड़ा। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने बाकायदा इसकी सीमा को तय कर दिया, यानी कि जरूरतमंद मरीजों को अब इस दवा के लिए बेवजह ऊंची कीमत नहीं देनी पड़ेगी। अस्पतालों में यह दवा 2240 रुपए प्रति वायरस या वायरल के हिसाब से दाम पर नहीं बिकेगी, जबकि केमिस्ट से खरीदने के लिए 2360 रुपए प्रति वायल का रेट भी आपको देना पड़ सकता है। इसीलिए बी केयरफुल, खुद का और परिवार का पूरा ध्यान रखें। और चलिए भारत में दोस्तों आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना तो पिछले 24 घंटों के दौरान 62,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई, इसके बाद 74,30,000 कुल संक्रमित केस हो चुके हैं जिनमें से 7,94,000 एक्टिव केस यानी कि सक्रिय चल रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि सक्रिय केसों की संख्या 8,00,000 के अंदर पहुंच चुकी है, तो ये राहत की बात है ना। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों रिकवर्ड होने वालों की संख्या 65,21,000 पहुंच चुकी है और भारत में इस वायरस के चलते मरने वालों का कुल आंकड़ा 1,13,000 से ऊपर पहुंच चुका। तो ये तो रहा भारत का ताजा कोविड अपडेट। और आइए अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां खबर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया 75 रुपए का सिक्का, आखिर कैसे और कहां मिलेगा तो मैं आपको बता दूं, खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO की कल ही 75वीं वर्षगांठ थी, ठीक है ना। और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रुपए का स्मृति सिक्का भी जारी किया और ये सिक्का जारी करते हुए पीएम मोदी ने कहा दोस्तों कि विश्व खाद्य कार्यक्रम को इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना एक बड़ी उपलब्धि है, भारत खुश है कि हमारा योगदान और इसके साथ जुड़ाव ऐतिहासिक रहा और पीएम मोदी ने ऑर्गेनिक चीजें ज्यादा खाने की सलाह भी दी है। चलिए साथ ही अगली खबर देख सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक खोल रहा महिलाओं के लिए खास खाता, मुफ्त में मिलेगी ये 6 सुविधाएं। जी हां दोस्तों, पीएनबी बैंक जो है ना पंजाब नेशनल बैंक है, देश की महिलाओं के लिए समय समय पर नई योजनाएं लेकर आता रहता है और इसी कड़ी में पीएनबी ने महिलाओं के लिए खास पावर सेविंग अकाउंट खोलने की सुविधा दी है जिसमें आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ये देख सकते हैं पीएनबी की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट भी किया गया है इसको लेकर कि पीएनबी पावर सेविंग महिलाओं के लिए खास विशेष योजना है और इस योजना के संयुक्त खाता भी खोला जा सकता है इसके साथ में, लेकिन पहला नाम महिला का होना चाहिए। तो इन कुछ टर्म्स कंडीशन के साथ में आप पीएनबी से जुड़ सकते हैं और महिलाओं के लिए कई खास ऑफर्स भी होते हैं, इसमें लोन वगैरह में छूट मिलती है, इसके अलावा NEFT की सुविधा फ्री में मिलती है, बैंक खाते पर प्लेटिनम डेबिट कार्ड वगैरह मिलता है, फ्री SMS अलर्ट की सुविधा मिलती है, 50 पन्नों की चेकबुक बिल्कुल फ्री मिलती है, 5,00,000 रुपए तक फ्री एक्सीडेंटल हेल्थ इंश्योरेंस बीमा भी मिलता है, प्रतिदिन आप 50,000 रुपए तक की केस निकासी कर सकते हैं। तो ये कई सारे ऑफर पीएनबी की तरफ से दिए जा रहे हैं खासकर महिलाओं के लिए, ठीक है ना। अगला अपडेट है दोस्तों, उत्तराखंड से हरियाणा और पंजाब व हिमाचल प्रदेश के लिए चली रोडवेज बसें, यात्रियों ने राहत की सांस ली है। जी हां, उत्तराखंड परिवहन निगम ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, धर्मशाला और लुधियाना के लिए भी बस सेवाएं शुरू कर दी है। बस सेवा शुरू होने से यात्रियों को राहत वगैरह भी मिली है, अभी तक यात्रियों को टैक्सी बुक करके ही जाना पड़ता था लेकिन अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा तो इसी चीजों का फायदा ले पाएंगे, ठीक है ना। और साथ ही अपडेट है दोस्तों कि IDBI बैंक ने त्योहारों से पहले शुरू की व्हाट्सएप सर्विस, अब 24 घंटे आप इन सर्विस का फायदा उठा पाओगे। जी कल ही मैंने आपको इसी से संबंधित एक खबर ये भी बताई थी जिसमें दोस्तों IDBI बैंक की तरफ से आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे 24 घंटे जिन सर्विस का फायदा आप उठा पाओगे। कस्टमर की सुविधा के लिए कंपनी ने व्हाट्सएप सुविधा शुरू कर दी है IDBI की तरफ से और व्हाट्सएप पर अब आप इसका फायदा ले पाओगे। चलिए अगली खबर दोस्तों कि देश भर में फैलेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क, आप अपने शहर का नाम भी चेक कर सकते हैं क्योंकि भारत सरकार की ये प्लानिंग है दोस्तों कि देश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जाए, राइट। तो अभी प्रॉब्लम मुश्किल ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज लगाने के चार्जिंग स्टेशन जो है ना वो देश में बहुत कम है, तो सरकार अब इनका जाल भी बढ़ाने जा रही है, इसकी कुछ ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। इसके अलावा खबर है टेक्नोलॉजी को लेकर, जूम सॉफ्टवेयर जो है ना उसके इस नए प्लेटफॉर्म पर होगी फिटनेस क्लास, कारोबार बढ़ाने में आसानी रहेगी। जूम हाल ही में दोस्तों लॉकडाउन के बाद बहुत ज्यादा काफी पॉपुलर हो गया, इसके पीछे वजह है कि जूम वगैरह का कई लोग बाग जो कई स्टूडेंट्स जो है ना वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्लास वगैरह में भी इस्तेमाल लेते हैं, तो वगैरह वगैरह है ना। इसमें आपको कुछ अपडेट देखने को मिलेगा, आप प्ले स्टोर पर जाकर के भी अपडेट कर सकते हैं। चलिए अगली खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिषदीय विद्यालयों के 31,000 से भी ज्यादा टीचर्स को नियुक्ति पत्र दे दिया और उनको कहा कि मेरिट के आधार पर इनको नौकरी दी गई है। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश के सहायक अध्यापकों को लंबा इंतजार भले ही करना पड़ा हो लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर
37,277 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने 5 अभ्यर्थियों को अपने हाथों वगैरह को देखते हुए और क्या जानकारी अपडेट आती है मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य को एक बड़ी सौगात दी है। 15,592 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर 1411 किलोमीटर का नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट जो है उसको मंजूरी मिल चुकी है। नितिन गडकरी की तरफ से इसका शिलान्यास और लोकार्पण भी किया गया, जो कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं आपको पता होगा, तो उनकी तरफ से इस योजना का शुभारंभ किया गया, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए कि राज्य कर्मचारियों को योगी सरकार ने एक और तोहफा दिया, त्योहार पर स्पेशल फेस्टिवल पैकेज ऑफर वगैरह भी मिलेंगे। यूपी के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए यूपी सरकार ने बिल्कुल ही बहुत बड़ी मेहरबानी कर दी है। यहाँ पर इस सुविधा के अंतर्गत संबंधित कर्मचारी को गंतव्य स्थान तक जाने एवं वापस आने के लिए 6,000 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से कर्मचारी किराया समेत उनके परिवार के 4 सदस्यों के लिए स्वीकृत होगा। तो ये जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही अपडेट है दोस्तों की सोशल मीडिया पर ऐसी भी एक खबर चल रही है, वीडियो में बताया जा रहा है कि महिलाओं के बैंक खातों में सरकार जो है ना वो 2,20,000 रुपए जमा कर रही है, तो पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से इसको भी गलत बता दिया गया है। ऐसी कोई सरकार की योजना नहीं है, प्लीज आप ऐसे किसी जहां से में ना आए। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नारी शक्ति जैसी कोई भी योजना नहीं चल रही है और इसी फर्जी योजना के माध्यम से सरकारी गुरु सरकारी अपडेट करके ऐसे कुछ चैनल है जो असामाजिक तत्व होते हैं वही ये चीजें सोशल मीडिया पर डालते हैं आपको पता होगा। तो कुल मिलाकर के स्कीम फर्जी है, सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है, ठीक है ना। अगली खबर देखिए, नौकरी पैसा लोगों के लिए एक बड़ा ऑफर है। टोयोटा की कार खरीदने पर आपको 3 महीने की ईएमआई छूट मिल रही है। जी हां दोस्तों, टोयोटा कंपनी की अगर आप कार खरीदते हो ना तो 3 महीने की ईएमआई आपको सबसे शुरुआत में छूट मिल रही है, तो आप भी चाहे तो इनका बेनिफिट वगैरह उठा सकते हैं फेस्टिवल सीजन के तौर पर। ओके दोस्तों, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो में फिनिश होता। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों कि नवरात्रि के बाद हमारे देश में बड़ा त्यौहार कौन सा आने वाला है। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना वो रेंडमली पिक किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।